ड टू हेड हेड टू हेड यानि की ये बात कर रहा है सिग्मा बोन्ड के बारे में ठीक है और ये जो साइड अवर लेप साइड ओवर लेप वो बात कर रहा है अपना पाई बॉन्ड के बारे में ठीक है साइड वाइज अवर लेपिंग से हमारा पाइबोन्ड फॉर्म होगा एंड टू एंड से हमारा सिग्मा बोन्ड होगा तो जो फॉर्म होता है एंड टू अवर लेप से वो हमारा स्ट्रोंगर होता है जाएगा than bond by side on क्यों? क्योंकि देखो जब अपन हेड टू हेड कॉलिजन होता है एंड टू एंड होता है या फिर हेड टू हेड होता है तो वहां पर हमारी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है डेंसिटी या फिर उसको बोल दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पर मैक्सिमम होता है जिसकी वजह से उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है क्योंकि देखो ना ये जो पी ऑर्बिटल है एक पी ऑर्बिटल आ रहा है। end -end रहा है है ये एंड एंड टू हो तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया ना एक जगह पर जब हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है अब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है आधे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए आधे ले, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर फैल गए तो जो क्लाउड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस वजह से ये वीक हो जाता है और ये स्ट्रोंग हो जाता है तो इसका आंसर जाएगा स्ट्रॉन्गर ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर